तो गाइस मैंने अभी जो मैंने आप लोगों को समझ में ऑफर शेयर करने जा रहे थे, आप लोग देख सकते हैं ये वाला ऑफर मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया, बट ये कहने सभी लोग उसको ज्वाइन नहीं कर पड़े। और गाइस आप लोग देख सकते हैं 10 मिलियन फंडिंग कलेक्ट कर चुके हैं आप लोग देख सकते हैं बाइनेंस लैब्स की तरफ से, ठीक है। तो गाइस चलिए मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ए टू जेड गाइस, और भी आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा सारा कुछ इसमें। आप लोग को बिल्कुल फ्री में एनएफटी मिलेंगे, इस एनएफटी के जरिए आप लोग को ईयर ड्रॉप मिलेंगे, बिगेस्ट ईयर ड्रॉप मिलेंगे। 10 मिलियन फंडिंग मतलब बहुत होता है गाइस, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं तभी उसका जो ऑफिशियल जो ट्विटर हैंडल में आ गया, फॉलोअर्स वगैरह आप लोग देख लेना, उसके बाद स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं आप लोग देख सकते हैं आप लोग तो इधर आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे आप लोग डेगो की तरफ से देखिए एक रिट्वीट किया गया है, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये तो देख लेना। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा नीचे जाना, नीचे जाने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगी 10 मिलियन वो लोगों ने फंडिंग कलेक्ट कर चुके हैं, आप लोग उसको एक नज़र देख लेना गाइस, ठीक है, ये बाइनेंस लैब्स की तरफ से, ठीक है। और गाइस इसमें आप लोग एक चीज़ आप लोग देख पाएंगे अच्छी तरह से, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इधर आप लोग को बाइनेंस का लोगो देख रहे हैं, और भी आप लोग को अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को कोई भी मिस मत करना, आप लोग बिल्कुल फ्री में इसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब आपका वो 25 रुपीज़ का शायद आपको बीएनपी फी वगैरह आप लोगों को लग सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप लोग ज्वाइन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखना, जितना भी सारा लिंक है ना सब प्रोवाइड करने वाले गाइस आप लोगों को। गाइस ऑलरेडी मैंने तो आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करके रखा है गाइस, आप लोग देख सकते इसमें जितने भी सारा लिंक है ना सब मैंने एक एक करके मैंने आपको देखने वाले गाइस, आप लोग देख सकते बहुत ज्यादा लिंक है, मैं सब कुछ मैंने इसमें 100% एलिजिबल होने के लिए मैंने सब बंदोबस्त करके रखा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा आप लोग को की वी ब्राउजर नहीं तो मिसेस ब्राउजर को आप लोग यूज करके इस ऑफर को ज्वाइन करना पड़ेगा गाइस। आप लोग की वी ब्राउजर में करूंगा तो गाइस आप लोग भी की वी ब्राउजर कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आपको जो लिंक देखने को मिलेगा ये वाला लिंक को आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करने के बाद आप लोग कीवी ब्राउजर एप्लीकेशन को आप लोग डायरेक्ट ओपन कीजिएगा, ठीक है। ओपन करने के बाद देखिए जो नया यूजर है आप लोग उसको देख लेने की मेटामास्क एक्सटेंशन ऐड है कि नहीं, अगर नहीं है तो इधर आप लोग सर्च करके आप लोग ऐड कर सकते, नहीं तो आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, बहुत ज़्यादा वीडियो देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए गाइस इसको मैंने सर्च करता हूँ, ठीक है। तो गाइस इसमें पेस्ट कर दिया। तो गैस इस सर्वर को ज्वाइन करने में थोड़ा बहुत सर्वर आपको दिक्कत होगी गैस, क्या है आप लोग को लाइव देखने की कोशिश करूंगा, अगर कोई भी दिक्कत वगैरह हो तो आप लोग उसको मैनेज कर लेना, ठीक है। देख सकते हैं गैस इस तरह का इंटरफेस होगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा इस वाला सेक्शन में क्लिक करने के बाद आप लोग वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा, देख सकते हैं कि मेरा जो वॉलेट है ना चलिए इसको रिस्कन कर दिया, उसके बाद मैंने कनेक्ट वाला सेक्शन में क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको मेटाबॉक्स वाला सेक्शन में क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग इधर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ चुके हैं, इसको आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। भाई वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएंगे तो इसलिए मैं जल्द से जल्द करें, ठीक है। मेरे सक्सेसफुली वॉलेट कनेक्ट हो चुका है, आप लोग इसको बीएससी नेटवर्क में आप लोग को इसको कर लेना, एक बार इसको चेकआउट कर लेना कि आपका बीएससी नेटवर्क में है कि नहीं, आप लोग देख सकते ये बाइनेंस स्मार्ट चेन है, अगर नहीं है तो आप लोग इसको इधर से आप लोग चेंज कर सकते हैं, चेंज कर लेना, ठीक है। चलिए गाइस मैं देखता हूँ उसके बाद क्या करना, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको नंबर वन स्टेप आप लोग देख सकते हैं इस वाला सेक्शन में आप लोग क्लिक कर लीजिए, क्लिक करने के बाद आप लोग को सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, आप लोग को सब टास्क को एक एक करके कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग तो कनेक्ट कर ले, उसके बाद आपको डिस्कॉर्ड के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्लिक करने के बाद आप लोग को उसको डिस्कॉर्ड के साथ कनेक्ट करना, क्योंकि मैंने इसको ट्राई कर रहा था इसलिए मेरा हो चुका है, ठीक है। तो ऑथोराइज कर लीजिएगा डिस्कॉर्ड के अकाउंट के साथ, ठीक है। और ये तो वॉलेट आप लोगों ने कनेक्ट कर लिया होगा, ये दोनों टास्क को आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले से उसको करके रखा, ठीक है। इसलिए उसके बाद इसको वेरीफाई वाला सेक्शन में क्लिक करना, आप लोग का जो डिस्कॉर्ड का यूजर है ना, यूजर नेम है ना, इधर आपको देख जाएंगे। उसके बाद देखिए जो आपका मेन प्रॉब्लम हो रहा है इसमें आपको दिक्कत हो रहा है, इस डिस्कॉर्ड को आप लोग वेरीफाई नहीं कर पाए, मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप लोग वेरीफाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, देख सकते हैं लाइव में सब कुछ बताने की कोशिश करते हो। तो सबसे पहले आप लोग इधर ज्वाइन नाउ पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप लोग को डिस्कॉर्ड में विजिट करेंगे, आप लोग एक्सेप्ट वाला सेक्शन में क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करती आप लोग उस सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, आप लोग फिर से आप लोग एक्सेप्ट इनवाइट वाले सेक्शन में क्लिक करना, क्लिक करती आप लोग उस सामने जो इंटरफेस आएंगे आप लोग देख पाएंगे। देख गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरे ऑलरेडी ज्वाइन है ना, तो चले गए उसको मैंने लेव कर दो आप लोगों के लिए, मैंने आप लोग को देखाऊंगा आप लोग को अच्छा होगा, ठीक है। तो चले गए जो चैनल है ना इसको लेव कर लेता हूँ, तो गाइस आप लोग देख सकते हैं उसको चैलेंज को क्या कर लिया मैंने लिफ्ट कर लिया, मतलब उसको मतलब देख सकते हैं कटआउट कर दिया, फिर से मैं जाऊंगा उसके बाद मैंने उसको फिर से आप लोग ज्वाइन करूंगा आप लोगों को देखने के लिए, आपको अच्छा हो जाएंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को सामने लाइव में देखूंगा। उसके बाद देख सकते हैं आप लोगों को सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, आप लोग वेरीफाई वाला सेक्शन में क्लिक करना, ठीक है। तो वेरीफाई वाला सेक्शन में क्लिक करने के बाद आपको थ्री डॉट में क्लिक करना, आप लोग देख सकते हैं ये जो बॉट है ना इधर आपको देखने को मिलेगा, इसका लोगो वगैरह आप लोग देख लेना। जब इस लोगो पर क्लिक करेंगे तो आप लोग डायरेक्ट इस तरह का इंटरफेस होगा, आप लोग फिर से थ्री डॉट वाला सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आपको वेरीफाई नहीं देखने को मिलेगा। चलिए इसमें क्लिक किया, उसके बाद देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन वगैरह एनेबल नहीं है, ठीक है। तो बोले वेरीफाई वाला सेक्शन में क्लिक करना, उसके बाद आप लोग को सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, आप लोगों को जितना भी सारा इधर आप लोग देख सकते हैं इस तरह का कैप्चर देखने को मिल रहा है, इसको आप लोग एक एक करके टिक मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से जैसे मैं कर रही ना ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बहुत सर्वर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगी, उसके बाद आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आप लोग क्या करना, इधर जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है ना एक एक करके देख सकते हैं, इसका सबको टिक मार्क करना पड़ेगा, इसको कर लिया। उसके बाद सेकेंड को भी कर लेता हूँ, उसके बाद चलिए मैं
इसको कर लिया, उसके बाद आपको इसको भी करना पड़ेगा। जैसे मैं करे ऐसे आप लोग करना है। उसके बाद आपको इधर आप लोग बहुत देखने को मिले, आप लोग इसमें भी आपको टिक कर देना। चलिए मैंने इसको टिक कर लिया, इसको मतलब बहुत ज़्यादा कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला गैस। उसके बाद थ्री डॉट में क्लिक करना, उसके बाद देख सकते फिर से अभी भी वेरीफाई नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्या करना होगा। उसके बाद आप लोग इस तरह का एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग एक बार क्लिक कीजिएगा, इसमें जब क्लिक करेंगे तो आप लोग एक बार चेक करेंगे तो आपको कोई भी वेरीफाई फिर भी नहीं देखने को मिलेगा। तो गाइस इस तरह से आपको जितना भी सारा आप लोगों का वेरीफाई का ऑप्शन होगा सबको एक एक करके इस तरह से देख सकते हैं। मैंने जैसे वेरीफाई करा है ना, ऐसे एक एक करके आप लोग क्लिक करते जाना, क्लिक करते जाना। एक बार हो गया उसके बाद देख सकते हैं ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। इस तरह से आप लोग चेकआउट करना कंप्लीट हो चुके हैं। बस आपको क्या कहना पड़ेगा, आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको देखने को मिलेगा इधर एक चार्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्या करना होगा, ठीक है। इधर आप लोग देख सकते हैं इधर एक चार्ट का ऑप्शन हो रहा है, इसमें ध्यान से देखिएगा। इसमें आप लोग एक बार हाई लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए गाइस मैंने इसमें क्या करता हूं, चलिए ओके सेल लिख देता हूं, ठीक है। मैंने लिख दिया, आप इधर हाई भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करूँगा, फिर से थ्री डॉट में क्लिक करना, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोग इसमें आप लोग ये जो ऑप्शन हो रहा है इस वाला सेक्शन में आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। जनरल पर ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को सामने इस तरह का इंटरफेस देख सकते हैं, जितने भी सारा लोग इधर मैसेज कर रहे हैं इधर आप लोग ये वाले अगर हो जाएंगे तो आप लोग इसमें वेरीफाई हो चुका था। इसमें भी चलिए ओके लिख देता हूँ, ठीक है। तो ओके पर ओके लिख दिया, उसके बाद मैंने मैसेज कर दिया। अगर आपका जो मैसेज है ना इसका देख सकते, अगर ये वाले हो गया तो आप लोग इसमें वेरीफाई हो चुके हैं, ठीक है। इसमें आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्ट इसमें बैक कर देना। बैक करने के बाद इसमें वही वाला सेक्शन में चला जाना, उसके बाद आप लोग वेरीफाई वाला सेक्शन में क्लिक करना, आपका वेरीफाई हो जाएंगे। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम आ जाएंगे तो आप लोग क्या करना, इसमें थ्री डॉट में क्लिक करना, रिप्लेस पर रिप्लेस जो सेक्शन है ना इसमें आप लोग रिप्लेस कर लीजिएगा। रिप्लेस करने के बाद फिर से आप लोग वेरीफाई वाला सेक्शन में क्लिक करना, देख सकते हैं मैंने आप लोगों को सामने लाइव वेरीफाई करके देखूंगा गाइस। अगर नहीं हो रहे तो आप लोग फिर से आप लोग एक बार दोबारा कीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं गाइस इंस्टेंट हो चुका है, ठीक है। मैंने जैसे जैसे बता दिया ऐसे ऐसे काम को कंप्लीट करेंगे तो आप लोगों को गारंटेड वेरीफाई हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को सामने लाइव करके देखा दिया गाइस, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको ट्विटर को आप लोग देख सकते कनेक्ट करना पड़ेगा। तो गाइस इधर कनेक्ट वाले सेक्शन में क्लिक करना, क्लिक करते ही आप लोग को सामने इस तरह का इंटरफेस को ऑथोराइज कर दीजिएगा, ठीक है। ऑथोराइज करने के बाद आप लोग देख सकते थोड़ा सा लोडिंग लिया जाएगा, ये आप लोग को ऑथोराइज हो जाएंगे, उसके बाद बैक हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग को बोला जाएगा उसका ट्विटर है ना, उसको ट्विटर को आप लोग को सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग फॉलो नहीं किया तो पहले फोटा से जाके आप लोग फॉलो करना, जिस ट्विटर को आप लोग कनेक्ट किया उसी ट्विटर में आप लोग उसको फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद उसको बैक कीजिएगा, उसके बाद आप लोग को वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा, आप लोग वेरीफाई वाला सेक्शन में आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको इसको आप लोग देख सकते हैं इसका भी वेरीफाई करना पड़ेगा। इसमें भी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होंगी, बट ये भी आप लोगों को सॉल्व करके देखूंगा गाइस लाइव में, ठीक है। गाइस ये जो प्रोजेक्ट है ना बहुत जल्द से जल्द वायरल हो जाएंगे गाइस, इतना मिलियम फंडिंग मतलब कलेक्ट करना मतलब सबके लिए अच्छा, मतलब पॉसिबल नहीं है। इसलिए बोले गाइस प्रोजेक्ट को कोई भी मिस मत करना, आप लोग को रिट्वीट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। मतलब इधर देख सकते हैं रिट्वीट करने के लिए बोला जाएगा, आप लोग रिट्वीट पर क्लिक करना। मैंने ऑलरेडी कर चुका है तो मैंने इसको बैक करता हूँ, ठीक है। मैंने बैक करता हूँ, चलिए मैंने इसको बैक करता हूँ, इधर से बैक करना पड़ेगा। बैक कर दिया, सॉरी गाइस मैंने ज़्यादा कर दिया था। उसके बाद देख सकते अगर इसमें क्लिक करने के बाद आपको रिट्वीट करने के लिए बोला तो आप लोग रिट्वीट पर क्लिक करना, उसके बाद आप लोग वेरीफाई वाला सेक्शन में क्लिक करना। इसमें भी वेरीफाई वाला सेक्शन में क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते इसमें भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आप लोग फिर से थ्री डॉट में क्लिक करना, इधर आपको देखा था जस्ट मिनट, इसमें आपको थ्री डॉट देखने को मिलेगी, इसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको रिप्लेस का ऑप्शन होगा, इस आप लोग रिप्लेस का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस रिप्लेस वाला सेक्शन में क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको रिप्लेस पेज हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग फिर से वेरीफाई वाला सेक्शन में क्लिक करना, एक बार नहीं हो रहा दो तीन बार एक साथ ट्राई करते जाना, ट्राई करते चलो देख सकते हैं बूम हो चुके। तो आप लोग को सामने क्या होगा, आप लोग का क्लेम का ऑप्शन होगा। आप लोग देख सकते हैं ये जो एनएफटी है ना आप लोग को बिल्कुल फ्री में दे देंगे, सिर्फ आपको 10 से 20 रुपीस का आपको बीएनबी फीस देना पड़ेगा, ठीक है। तो गैस इस एनएफटी को क्लेम करेंगे तो आप लोग को एक बिगेस्ट ईयर ड्रॉप आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए गैस इसको मैं क्लेम कर लेता हूं गैस, ठीक है। तो क्लेम वाला सेक्शन में क्लिक किया, उसके बाद आप लोग देख सकते आप लोग को ऑथोराइज आ जाएंगे, उसके आप लोग प्रोसेस कर लीजिएगा। मैंने प्रोसेस कर लेता हूं, उसके बाद मैं इसको क्लेम कर लेता हूं, ठीक है। इसमें देख सकते आ चुके हैं, मैंने इसको क्लेम पर लगा दिया। उसके बाद आप लोग को इसको कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने कंफर्म पर लगा दिया, उसके बाद मैं क्या करूँगा वही वाला सेक्शन में चला जाऊँगा, देख सकते वही वाला सेक्शन में जाऊँगा। उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग लिया जाएगा और आप लोग बूम आप लोग देख सकते हैं सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल आप लोगों को सामने आ चुका है। आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं, आप लोग इसमें देखेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएंगे, देख सकते हैं मेरे को रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को कलेक्ट हो चुका है। तो गाइस आप लोगों को मैंने देखा दिया किस तरह से क्या करना होगा। उसके बाद आप लोग उसको बैक कीजिएगा, इधर से आप लोग पेज को बैक करना एन एफ टी क्लेम करने के बाद। मैंने बैक किया, बैक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोग इन्वाइट करना चाहते हैं तो इसमें आप लोग इन्वाइट कर सकते हैं। इसमें आप लोग कितना इन्वाइट करेंगे तो कितना आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। इसमें आपको मिनिमम आपको 5
ऑलरेडी इन्वाइट करना पड़ेगा। आप लोग ऐसे नहीं कि आपको इसको करना पड़ेगा, आप लोग इसको नहीं कर पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जो एनएफटी क्लेम किया बस इसमें हो गया, ठीक है। और ज़्यादा आप लोग अर्निंग करने के लिए आप लोग इसमें मिनिमम आपको 5 इन्वाइट करना पड़ेगा, तब आपका ये जो बॉक्स है ना, ये आपका बॉक्स आपका ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस आप लोग रेफर कर पड़े तो कर सकते, नहीं कर पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते, ठीक है। जो लोग रेफर कर पाएंगे वही उसको लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो मिनिमम आपको 5 रेफर करना पड़ेगा, तब आपका ये जो बॉक्स है ना ये ओपन हो जाएंगे, आपको रेफर लिंक इधर दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए गाइस इसको बैक कर दो। बैक करने के बाद आप लोग इधर आपको देख सकते हैं, और एक आपको टास्क देखने को मिलेगा रिडिट का, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोग क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आप लोग को रिडिट के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो कनेक्ट वाला सेक्शन में क्लिक करना, ठीक है। जब आप लोग कनेक्ट वाला सेक्शन में क्लिक करेंगे आप लोगों को सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। अगर आपका लॉग इन है तो लॉग इन कर लीजिएगा, नहीं तो इधर से आप लोग उसको डायरेक्ट उसको साइन इन कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं रेडिट के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दो, उसके बाद एक्सेप्ट वाले सेक्शन में क्लिक कर दो। गाइस आप लोग उसमें अकाउंट नहीं बनाया तो अकाउंट बनाने लगे गूगल से, उसके बाद आप लोग उसको आप लोग ऑथोराइज कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑथोराइज सक्सेसफुल हो चुके हैं। उसके बाद आपको सामने और एक कैनिटी आपको क्लेम करने के लिए बोला जाएगा, आप लोग क्लेम वाला सेक्शन में क्लिक कर, इसमें भी आप लोग को 20 आप लोगों शायद आपको 20 आप लोग को 20 रुपीज़ का BNB फीस लग सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ गाइस, जस्ट मिनट। सो गाइस क्लेम वाला सेक्शन में क्लिक करने के बाद आपको प्रोसेस का ऑप्शन होगा, आप लोग प्रोसेस वाले सेक्शन में क्लिक करना, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आएंगे मेटामास्क में, इसको आप लोग ऑथोराइज कर लीजिएगा। इस तरह से देख सकते हैं कन्फर्म कर लिया, उसके बाद आपको क्या करूँगा मैंने वही वाला सेक्शन में मैंने चला जाऊँगा, ठीक है। तो आपको लगभग इस ऑफर को ज्वाइन करने में आपको कितना मतलब आपको देना पड़ेगा, मतलब लगभग आप लोग को 30 से 40 रुपीज़ का आप लोग लगेंगे। देख सकते ये भी NFT मेरा कलेक्ट हो चुका है, ठीक है। बस इसका काम कंप्लीट हो चुका है, इसमें आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं, सारा काम इसमें कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो सारा कुछ तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए गाइस मैं क्या करूँगा, फिर से मैंने टेलीग्राम पर जाऊँगा, ठीक है। जितना भी सारा लिंक है ना सब मैं टेलीग्राम पर फॉरवर्ड कर दूँगा। आप लोग यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में आपको टूडे लिंक मिलकर आप लोग रहेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ये जो लिंक है ना सब टेलीग्राम पर आपको फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये जो डिस्कॉर्ड है ना, मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि आपको किस तरह से ज्वाइन करना होगा, इधर से आप लोग मैनुअली आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया, जो लोग मतलब जो लोग को दिक्कत हो रहा है। उसके बाद आप लोग देखो जो ग्लैक्सी जो NFT है ना, ग्लैक्सी NFT को आप लोग उसको क्लेम कर लीजिएगा। किस तरह से आप लोग करेंगे सबको पता है, बट फिर भी मैं आप लोग एक बार बता रहा, ठीक है। लिंक को आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद पेस्ट कीजिएगा। पेस्ट करने के बाद आप लोग को सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग को इसमें जितना भी सारा टास्क है सबको एक एक करके कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को NFT को मेन करना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मतलब ज़्यादा वायरल भी नहीं हुआ, अभी से सर्वर उसका गया, ठीक है। तो भाई इसलिए बोल रहे भाई ये जो प्रोजेक्ट है ना गारंटेड वायरल हो जाएंगे, आप लोग जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कर लेना। ग्लैक्सी NFT सभी को पता है किस तरह से क्लेम करते हैं, आप लोग क्लेम कर लेना गाइस, उसका ही NFT है, ठीक है। जो टावी जो NFT है ना इसको ग्लैक्सी का NFT है, ठीक है। तो आप लोग किस तरह से करेंगे, ट्विटर को फॉलो करना, लाइक रिट्वीट करना, उसके बाद वेरीफाई करना, उसके बाद डिस्कॉर्ड को मतलब ज्वाइन कर लेना, उसके बाद वेरीफाई करना, उसके बाद आपको नीचे क्लेम वाला सेक्शन होगा, आप लोग क्लेम कर लीजिएगा ये जो ग्लैक्सी NFT है, इसको भी आप लोग क्लेम कर लीजिएगा, सबको पता, ठीक है। देख सकते हैं सर्वर उसको स्लो है, इसमें आप लोगों को सभी लोग आप लोग क्लेम कर लेना। अगर इसको क्लेम नहीं कर पाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, बट आप लोग जितना उसका मतलब जितना भी सारा लिंक दे रहे हैं सबको, अगर सही से आप लोग यूज कर पाएंगे, सही से आप लोग उसमें कलेक्ट वगैरह कर पाएंगे, तो आप लोग ईयर ड्रॉप के लिए आप लोग 100% एलिजिबल हो जाएंगे। चलिए ये प्रोसेसिंग चल रहा है, अगर लास्ट में होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को देख सकते हैं ये जो लिंक है ना इसको आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है, ऑन क्विज का, ठीक है। तो गाइस इसको लिंक कॉपी करने के बाद आप लोग फिर से आप लोग क्या ना मेटामास्क में आप लोग पेस्ट करना, पेस्ट करने के बाद आप लोग को सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो लिंक है ना किस तरह का किस काम के लिए है मैं आप लोग को बता रहे, आप लोगों ने जो रीडिट पर जो आप लोगों ने जो NFT को मेन किया ना, इसके लिए इसको आप लोगों को टास्क को कंप्लीट करना पड़ेगा। सर्वर स्लो होना स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो उसका डिस्कॉर्ड को आप लोग ज्वाइन कर लेना, उसके बाद ट्विटर को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें आप लोग क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा आपका, अगर आपका अंदर आप NFT है, आप लोगों ने जो NFT को मेन करने के लिए बोला ना NFT है, तो आप लोग ऑटोमेटिक आपको वेरीफाई हो जाएंगे। आप लोग 3 डॉट में क्लिक करना, उसके बाद उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते एक्सेप्ट मैंने साइन इन वाला सेक्शन में क्लिक करता हूँ, उसके बाद फिर से उसके बाद देख सकते रिक्वेस्ट बहुत आ चुके हैं। चलिए मैंने सबको मैंने एक्सेप्ट कर लेता हूँ, एक्सेप्ट करने के बाद मैंने चला जाता हूँ इसमें, ठीक है। तब लोग देख सकते बूम आपका जो रिडिट पर जो आप लोगों ने NFT मेन किया ना इसमें देख सकते वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद मैं क्या करूँगा ट्विटर को कनेक्ट कर लूँगा, तो गाइस आप लोग भी कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को सामने सब कुछ कर रहे देख सकते ऑथोराइज कर लिया, ऑथोराइज करने के बाद मैंने क्या करूँगा बूम उसको मैंने बैक कर लूँगा, ठीक है। तो देख सकते ये भी सक्सेस हो रहा है, ठीक है। मैंने सब कुछ मैंने आपको लाइव में दिखाने की कोशिश कर दो गाइस, इसमें देख सकते स्टार्ट क्विज मैंने कर दिया, बस बम इसको मैं क्या करूँगा बैक कर लूँगा, ठीक है। ये वाला सेक्शन में चला जाऊँगा, कहाँ था पेज, इस वाला पेज, जस्ट मिनट।
तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने क्या ना उसका ट्विटर को फॉलो कर लिया, उसके बाद इसमें वेरीफाई वाला सेक्शन में क्लिक किया, जैसे कि इससे मैं देख सकता डिस्कॉर्ड को मैंने ऑथोराइज कर दिया, उसके बाद मैंने वेरीफाई वाला सेक्शन में क्लिक किया, आपका वेरीफाई हो जाएंगे ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने वेरीफाई वाला सेक्शन में क्लिक करूँगा आप लोग को इसमें, चलिए मैंने वेरीफाई वाला सेक्शन में क्लिक कर दो, तो डिस्कॉर्ड को तो मैंने ज्वाइन कर लिया, फिर भी वेरीफाई नहीं हो रहा, जस्ट मिनट, चलिए मैं फिर से एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैंने इसको वेरीफाई कर लिया, क्योंकि फिर से आपको अगर इसको ज्वाइन करके आप लोगों को जैसे मैंने वेरीफाई करने के लिए बोला था ना, ऐसे आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, चलिए मैंने सारा टास्क को कंप्लीट कर लेते हो, इसमें आपको रिट्वीट करना पड़ेगा, उसके आप लोग को कोई ट्वीट करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग इसमें लाइक रिट्वीट दो तीनों को एक साथ करना पड़ेगा। चलिए गाइस इसमें कर लेते हो, चलिए मैं आपको देखने की कोशिश करता हूँ, गाइस मैंने आपको सामने लाइव में देखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएंगे ठीक है। देख सकते हैं मैंने रिट्वीट किया, उसके बाद मैंने इसको लाइक भी कर दिया, चलिए मैं इसको मैक कर दो, बस एक जो टास्क है ना कंप्लीट हो चुका है ठीक है, मैंने इसको वेरीफाई कर लेता हूँ ठीक है। उसके बाद तीसरा को मैंने रिट्वीट कर दिया, तो उसके बाद देख सकते मैंने इसको रिट्वीट किया, उसके बाद मैं क्या करूँगा उसको मैं बैक कर लूँगा फिर से टॉप में, आप लोग सर्च वाला सेक्शन में जाके आप लोग उसको बैक कीजिएगा, मैंने बैक किया, उसके बाद देख सकते, उसके बाद मैंने चौथा को भी कर लेता हूँ, उसमें क्या बोला है कि रिट्वीट एंड लाइक ठीक है, तो इसमें मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपको रिट्वीट एंड लाइक करना पड़ेगा, तो मैंने पेज में आ चुके, आने के बाद मैंने इसको लाइक कर दिया, रिट्वीट कर दिया, सब कुछ तो मैंने कर दिया, एक कमेंट भी अच्छा खासा कर दिया। चलिए मैंने एक एक करके वेरीफाई वाला सेक्शन में क्लिक करता हूँ, गाइस वेरीफाई करते जाना गाइस, एक बार ना एक बार हो जाएंगे ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो पेज को आप लोग रिप्लेस कर लीजिएगा, मैंने बार बार बोले इसका सर्वर डाउन हो रहा है ना इसलिए ठीक है। फिर से मैंने वेरीफाई वाला सेक्शन में क्लिक करता हूँ, देखिए नहीं हो रहा है, तो मैंने दो तीन बार ट्राई करता हूँ, इस तरह से आप लोग ट्राई करते जाना, ट्राई करते जाना, देख सकते एक हो चुका है। उसके बाद फिर से आप लोग वेरीफाई वाला सेक्शन में क्लिक करना, देखता हूँ नहीं होता है कि नहीं, फिर से चलिए मैंने इसको करता हूँ। तो गाइस देख सकते हो सारा को मैंने वेरीफाई कर लिया, इस तरह से आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, बस इसमें आपको और कुछ काम करने की जरूरत नहीं। आप लोग देख सकते हैं क्लेम में रिवॉर्ड का ऑप्शन होगा, इसमें भी आपको एक नेमटी मिलेगी, इसको भी आप लोग क्लेम कर लेना, प्रोसेस वाला सेक्शन में क्लिक करना, बस आपको इधर एक नोटिफिकेशन आएंगे, इसमें भी आप लोगों को थोड़ा बहुत आपको बीएनबी लग सकते हैं, आप लोग उसको क्लेम कर लीजिएगा। गाइस 100% एलिजिबल होने के लिए आप लोग देख सकते हैं कुछ ना कुछ आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, और गाइस थोड़ा बहुत आपको बीएनबी लगेंगे ठीक है। अगर ये वाला टास्क आप लोग नहीं कंप्लीट करेंगे, जो पहले आप लोग को जो बताया ना इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे बस तो भी आपको हो जाएंगे, बट सारा कुछ आप लोग कंप्लीट करेंगे तो आप लोग इसमें आप लोग 100% एलिजिबल हो जाएंगे। देख सकते हैं ये भी एनएफटी मेरा मेंट हो चुके गाइस, मतलब आप लोगों को 180 पॉइंट मिल चुका ठीक है, मैंने आप लोगों को देखा, सॉरी गाइस ये जो आपको लाइक वगैरह करने के लिए बोल रहा है ना इसको आप लोग लाइक वगैरह कर लीजिएगा, तो आपको जब जितना सारा टास्क है ना सब कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें तो हम लोग लाइक वगैरह कर लिया, देख सकते हैं इसको लाइक कर लिया, चलिए बड़ी बैक कर लो, इसको मैंने रिट्वीट करने के लिए बोला है इसको भी रिट्वीट कर लेते हो ठीक है। तो गाइस आप लोग को सामने जो रिट्वीट वाला सेक्शन है ना इसको मैंने रिट्वीट कर लिया, उसके बाद क्या करूँगा मैंने बैक करूँगा, बैक करने के बाद दोनों को वेरीफाई वाला सेक्शन में क्लिक करूँगा, देख सकते वेरीफाई कर लिया, उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाना, नीचे जाने के बाद फिर से आपको क्लेम रिवॉर्ड का सेक्शन होगा, इसमें क्लिक कीजिएगा, नीचे प्रोसेस का ऑप्शन होगा, प्रोसेस वाला सेक्शन में क्लिक करना, थ्री डॉट में क्लिक करना, इसको आप लोग अप्रूव कर देना ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते आप लोग को सामने मैंने अप्रूव करता, गाइस जितना भी सारा टास्क मिला जैसे मैं आप लोगों को समझ रहा है गाइस, इस तरह से आपको कोई मेन नहीं समझाएंगे ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं ये भी हमारा जो क्लेम है ना एक क्लेम हो चुका है गाइस, आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएंगे। चलिए गाइस इसको मैंने बैक करता हूँ, देख सकते सक्सेसफुली बूम, चलिए मैंने इसको क्लोज करता हूँ, इधर आप लोग सक्सेस हो जाएंगे, देख सकते बूम ये भी हमारा जो टास्क है ना कंप्लीट हो चुका है गाइस ठीक है। इसमें आपको और कोई छेड़खानी वगैरह नहीं करना है गाइस, एक न्यू टैब लेना, उसके बाद फिर से मेरा टेलीग्राम पर आ जाना, उसके बाद आप लोग देख सकते ये जो नीचे आपको ऑप्शन से रहना ये जो लिंक है ना इस लिंक को आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, मैंने इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद फिर से आप लोग कीवी ब्राउज़र में आ जाना, उसके बाद जो लिंक है ना इसको आप लोग पेस्ट कर देना ठीक है। तो लिंक को मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट करते आप लोग को सामने जो इंटरफेस आएंगे आप लोग खुद देख पाएंगे ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं एक्सेप्ट वाला सेक्शन में क्लिक करना, उसके बाद आपको वॉलेट को फिर से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आप लोग चलिए मैंने इस वॉलेट को मैंने मेटामास्क में क्लिक किया, उसके बाद मैं क्या करूँगा मैंने फिर से वॉलेट को है ना इसको कनेक्ट कर लूँगा, बस आप लोग भी कर लीजिएगा गाइस। मैंने देखिए जल्द से जल्द बोले, क्योंकि देखिए जो वीडियो है बहुत लॉन्ग हो जाएंगी और गाइस उसका सर्वर भी डाउन हो जाएगा, जो वीडियो को पहले देख रहे गाइस मतलब आप लोग को रिक्वेस्ट है मतलब जितना जल्दी हो सके आप लोग उसको कहना, आप लोग फटाफट आप लोग उसको कर लेना, फिर से आप लोग और एक नोटिफिकेशन आएंगे उसको आप लोग एक्सेप्ट कर लेना ठीक है। देख सकते मैंने एक्सेप्ट कर लिया, सीन कर दिया, उसके बाद फिर से मैंने वही वाला सेक्शन में जाऊंगा, देख सकते बूम सब कुछ हो चुके हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते रेड टास्क का ऑप्शन होगा, इसमें क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कुछ देखने को नहीं मिलेंगे, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, बस आपको जितने भी सारे टास्क हैं ये सब कंप्लीट हो चुके हैं, इसमें क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको यूआईडी वगैरह आपको पूछा जा रहा है आपको दे देना
तो गैस आप लोग को जो जेली का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करना है इसमें आप लोग क्लिक करने के बाद ये जो टास्क है आपको एक एक करके सब कुछ कंप्लीट करना है। आप लोग देख सकते हैं आपको जो लिंक वगैरह आपको पूछा जाए इसको देना, इसको आप लोग ज्वाइन वगैरह कर लेना, उसका टास्क आपको देखने को मिलेंगे फिर में क्लिक करने के बाद। उसके बाद आप लोग देख सकते फिर से मैंने आपको देखा तो जस्ट में जेली का लिंक मैंने पेश किया, पेश करने के बाद आप लोग को सामने इस तरह का इंटरफेस होगा। वॉलेट को आप लोग सबसे पहले कनेक्ट करना, बस आपको इन्वाइट आपको देखने को मिलेंगे। लोग इन्वाइट करना चाहते कर सकते हैं, इसमें एक्सेप्ट कर लिया, बस बूम आप लोग देख सकते एक्सेप्ट हो चुके। बस इसमें आपको थोड़ा बहुत आपको टास्क अगर सामने आ जाएंगे इधर देख सकते इधर टास्क आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग को देख सकते सब कुछ एक एक करके अनलॉक हो गया। चलिए मैं आप लोग एग्जांपल चलिए एक को करके देखा था, इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको क्लेम का ऑप्शन होगा सब। तो गैस क्लेम वाला सिस्टम क्लिक किया, उसको मैंने फॉलो कर लिया, उसके बाद बैक किया, उसके बाद देख सकते हैं मेरा क्लेम हो चुका है। ठीक है तो ये भी क्लेम हो चुका है, उसके बाद क्या करूँगा हम लोग इसमें देख सकते हैं लाइक रिट्वीट वगैरह कर लेना, उसका लिंक वगैरह आप लोग दे देना, उसके बाद बैक कर देना। उसके बाद आप लोग देख सकते और एक टास्क आपको देखने को मिलेगा इसमें लाइक क्या बोला लाइक रिप्लाई रिट्वीट, इसमें क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको इसमें क्या बोला है कि लाइक करने के लिए बोला गया है, तो मैंने क्या किया इसमें मैंने लाइक कर लिया, तो साथ साथ हम लोगों ने कर लिया फिर भी एक बार कर तो गैस उसमें लाइक कर दिया और रिट्वीट कर लिया। ठीक है उसके बाद बैक किया, उसके बाद और एक ही साथ मैंने दोनों कंप्लीट कर चुका है। चलिए मैंने एक बार बैक कर लेता हूँ, ठीक है बैक किया, बस इसको डाउन करता हूँ, करने के बाद देखता हूँ बस बूम इसमें हम लोगों ने सब कुछ कर लिया। चलिए इसको क्लेम कर लेता हूँ, देख सकते हैं क्लेम रिवॉर्ड पर क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली हमारा जो क्लेम है ना ये हो जाएंगे। ठीक है देख सकते बूम ये क्लेम हो चुके। उसके बाद आपको जितने भी सर टास्क है ना सबको एक एक करके कंप्लीट करना पड़ेगा, आप लोग सभी टास्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। इधर नीचे आपको बहुत ज़्यादा टास्क आपको देखने को मिलेंगे, डिस्कॉर्ड को आप लोग इस तरह से ज्वाइन कीजिएगा, उसके बाद आपको क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है तो सबसे पहले आप लोग डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने भी सर टास्क है ना सबको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें कितना देखूंगा गाइस वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, फिर भी मैंने आपको 100 आपको देखने की कोशिश किया, बट अगर थोड़ा बहुत अगर गलती भी बोल दिया गलत भी हो गया मतलब बहुत मतलब जल्द से जल्द, क्योंकि देखिए पता होगा पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है ना, इसलिए मतलब थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, मतलब बहुत जल्द से जल्द कर रहे क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है। ठीक है इसलिए ठीक है मैंने इसको बैक किया, बैक करने के बाद देख सकते फिर से मैं वही वाला सेक्शन में जाऊंगा, जाने के बाद उसको बैक करूंगा, उसके बाद क्लेम रिवॉर्ड पर क्लिक करूंगा, बूम सक्सेसफुली क्लेम हो चुका। ठीक है इस तरह से आप लोग कर लेना और बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैं वीडियो को एंड करता हूं, वीडियो अच्छी लगता है लाइक कमेंट शेयर कर देना। देख सकते हैं मैंने जितने भी सारे टास्क है सबको कंप्लीट कर दिया स्टेप बाय स्टेप, देख सकते 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कर लिया। ठीक है वीडियो को एंड करता हूं।